भैया तो कैसे, लेट्स खेल। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अमूल विकास, आपका ऑफिस सहायक। तो गाइज, हमारी चल रही है स्टेफनी चैंपियनशिप की यहाँ पे एक मैच, और हमारी मैच यहाँ पे लगी है दुनिया में शांति फैलाने वाले लोगों के साथ। तो चलो भाई, चलेंगे गेम के अंदर और करेंगे हमारा अटैक, और देखेंगे भाई जब हमारे टीममेट्स क्या अटैक करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है बिनोमो। यहाँ से आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। बिनोमो की खास बात यह है कि आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो के अंदर आप लोग मल्टीपल एसेट जैसे कि गूगल, गोल्ड, यहाँ तक कि आप लोग इंटरनेशनल करेंसीज डॉलर और यूरो के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, और इसमें 90% तक की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है, इसमें ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, मैं आप लोग करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इसमें 800 रुपए लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया है, और ये ऊपर जा रहा है, और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आपको पैसे कैसे मिलेंगे। इजीली आप लोग पेटीएम या फिर बैंक के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 350 रुपया है, और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो पैसा डबल, 1000 के 2000, 350 के 700। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाओगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 65,000 आपके डेमो अकाउंट में मिलेंगे। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी डाउनलोड कर लो। तो भाई साहब, हमारी साइड से पहला अटैक नंबर 5 पे आते हुए अर्जुन कर रहा है। ओके, तो अर्जुन ने यहाँ पे 2 रॉकेट बलून्स का इस्तेमाल करा है, 1 बेबी ड्रैगन का इस्तेमाल करा है, 7 ड्रैगन्स, 4 ड्रैगन राइडर्स, 6 बलून्स, डबल क्लोन स्पेल और 3 इनविजिबिलिटी स्पेल। ओके गाइज, लेट्स सी। बलून्स डाल दिए, ड्रैगन्स वगैरह डाल दिए, ड्रैगन राइडर्स भी आ चुके हैं, फनल तो प्रॉपर बना लिए गाइज। ओके, ब्लिंप लिए यहाँ पे, अब देखते हैं गाइस, ब्लिम को डिप्लॉय कर दिया, नाइस, मजा आ गया गाइस देख के। लेट्स सी ब्लिम को भाई साहब कहां तक लेके जाएंगे। आई थिंक टाउन हॉल तक लेके जाके टाउन हॉल से पहले ही फोड़ देंगे, और उधर सीसी से कुछ निकलेगा उल्टा फुल्टा चीज, और वो तबाह कर देगा भाई सबको। लो गाइस, बलून निकल गया, इनवी डाल दी। लो गाइस, डबल क्लोन डाल दिया, सुपर मिनियन क्लोन हो गए गाइस। भाई साहब ये अलग लेवल है गाइस ये अटैक का। भाई तबाह हो गया गाइस बेस ये पूरा, मजा आ गया भाई साहब। अरे बाप रे, सुपर मिनियन डेंजर है गाइस, डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है भाई, मजा आ गया देख के, मतलब वो चीज देख के ही मजा आ जाता है यार, क्या ही बोलू। ओके, रॉयल चैंपियन भाई साहब ने डिप्लॉय तो कर ही नहीं है, डबल फ्रीज भाई साहब जैसा भी बच चुका है, पूरा बेस तो खत्म ही गाइस, दिस इज अ खत्म बेस यार। अरे क्वीन पागल की औरत किधर जा रही हो यार, अंदर आ जाओ। लो गाइस, ये क्वीन पगला गई है भैया। ठीक है भाई, रॉयल चैंपियन को डाल दिया, अच्छी बात है। डबल स्केलेटन भाई साहब ने डबल स्केलेटन ट्रैप्स रखे हुए थे वहां पे, पर मेरे हिसाब से फिर भी ये बेस खत्म है गाइस, दिस इज अ खत्म बेस, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं है गाइस बेस के अंदर। लो, अब बंदा आरसी एबिलिटी मार देगा, पूरा बेस खत्म हो जाएगा भाई। लो गाइस, पहला अटैक हमारी साइड से लग चुका है, 333 स्टार, और सुपर मिनियन अभी भी जिंदा है भाई। सुपर मिनियन को देख के मजा आ गया भाई, ये वाला यूथ सुपर मिनियन का मेरे को सबसे बेस्ट लगा। और ये टोर्नेडो ट्रैप किधर रखा है, मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? यू कॉमेडी मी ब्रो इरिक, ये किधर रखा हुआ है भाई तूने टोर्नेडो ट्रैप, कोई सेंस है उस बात का? मतलब लिटरली यार, ऐसे कैसे कोई रख सकता है। तो पहला अटैक में हो चुका है हमारा 3 स्टार। तो भाई साहब जीत, FT जीत का जोश, जीत का जोश के ऊपर अटैक हो रहा है हमारी साइड से। मन्ना अटैक कर रहा है हाइब्रिड आर्मी के साथ। ओ भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूं, 3-3 सिंगल इन्फर्नोस के सामने क्वीन चार्ज बंदा नहीं कर रहा है, पीछे से ले रहा है, मतलब इस बेस की, मतलब पीछे से अटैक कर रहा है इस बेस के ऊपर। ओके, ईगल कंपार्टमेंट के अंदर क्वीन को लेके जाना चाह रहा है, और नाइस, परफेक्टली क्वीन को अंदर भी लेके जा चुका है। टाउन हॉल के ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, वाह गाइस, देखते क्या होता है यहाँ पे। ओके, स्नीकी गॉब्लिन को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। चलो भाई, बेबी ड्रैगन के साथ फनल बना लिया, और इधर विजर्ड के साथ भी फनल बना लिया है बंदे ने, बारबेरियन किंग और एसबी डाल दिया। अरे रे 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 गाइस, ये तो पूरा टाउन हॉल के ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है गाइस। हॉक्स भी डाल दिए, माइनर्स, आरसी, बुढ़ा, सब कुछ आ चुका है गाइस। पहली हिल्स पे ला चुकी है, पॉइजन डाल दिया, नाइस फ्रीज ऑन हेड हंटर्स मैन, ऑब्जर्वेशन अच्छी है भाई बंदे की, मजा आ गया देख के, पता नहीं बुढ़े की एबिलिटी कब देगा भाई। ओके, नाइस वॉल ब्रेक, बारबेरियन किंग को अंदर लेके जाना चाह रहा है, हेड हंटर डाल दिया एनिमी बारबेरियन किंग के लिए। भाई टाउन हॉल पे कोई गया ही नहीं है यार, अबे यार ये 1 स्टार ना हो जाए भाई साहब। ओके, सीसी के ऑक्स आ चुके, नाइस फ्रीज मैन, ओ
बाप रे, रेल डाल दिया गाइस। अबे इनवे डाल दिया हॉक्स के ऊपर, भाई साहब ये क्या ही कर रहा है बंदा। हॉक्स के ऊपर रेज इनवी, हॉक्स ने निकाल लिया भाई टाउनल को। क्वीन अभी भी एबिलिटी के साथ जिंदा है, आरसी भी एबिलिटी के साथ जिंदा है भाई। मतलब ये क्या ही कर दिया इस बेस के ऊपर इसने, मतलब इतना इजी तरीके से ट्रिपल मार दिया भाई इसने। देखो क्वीन जिंदा है, आरसी जिंदा है, दोनों के साथ एबिलिटी भी है। टाउन हॉल पे कोई गया नहीं था, सीसी के हॉक्स गए, तो सीसी के हॉक्स के ऊपर रेज यूज कर लिया भाई साहब ने, और इनवी यूज कर लिया भाई। गलती बंदा है भाई ये तो, क्या ही अटैक कर दिया भाई इसने। जो भी हो ये वाला अटैक कुछ अजीब ही था भाई, मतलब फ्रीस्टर हो गया गाइस ये वाला अटैक भी हमारी साइड से। तो हमारी साइड से लग चुके हैं 2-6। ओके गाइस, अभी मैं अटैक करने वाला हूं नंबर 4 के बेस के ऊपर। लेट्स सी गाइस, ये वाला बेस है। ओके तो इस बेस के ऊपर गाइस यहां पे अगर देखेंगे तो हम लोगों ने आर्मी ट्रेन करके रखी है हमारी ड्रैगन और बैट्स की, जहां पे सिर्फ एक रेजफेल का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, आर्चर टावर के ऊपर बलून्स डालेंगे, ब्लिंप आएगी पीछे से। तो इधर से क्या करेंगे हम लोग, टाउन हॉल को ले लेंगे स्निकी ब्लिंप के साथ। सीसी के अंदर हम लोगों ने स्निकी गॉब्लिंस और नॉर्मल गॉब्लिंस लेके रखे। कम ऑन मैन, चलो गाइस टीएच हम लोगों को मिल चुका है, सारे के सारे ड्रैगन्स, बुड्ढा बलून्स, ड्रैगन राइडर्स, किंग और क्वीन बेस के बाहर से। ओके यहाँ पे एक रेज, बुड्ढे की अर्ली एबिलिटी। ओके अभी किंग और क्वीन बेस के बाहर ही काम करेंगे हमारे, चलो ये ठीक है। ओके ट्रूप्स भटक चुके हैं यार, जल्दबाजी कर ली गाइज हम लोगों ने। इधर एक वॉल ब्रेक डालेंगे जिससे कि हीरोज अंदर जाए, चलो ये ठीक है, ठीक जा रहा है अब तक तो, बस ये बीच वाला मल्टी निकल जाए। ओके भाई क्वीन लावा के पीछे पागल हो गई है, अबे यार एफ सीन हो गया भाई, गलत जगह पे डाल दिया इनविजिबिलिटी स्पेल खामखा। चलो स्टिल आरसी का एबिलिटी बात चुकी है। ओके यहाँ पे फ्रीज और सारे के सारे बैट्स, चलो भाई ठीक है, वापिस एक फ्रीज। ओके यहाँ पे एक फ्रीज, चलो ऐसे ही टाइम पे फ्रीज डाल दिया, वापिस एक फ्रीज। कम ऑन मैन टेक दैट डिफेंसेस फास्ट। अबे यार इधर इनविजिबिलिटी चाहिए था पता है, गलत जगह पे डाल दिया भाई। अब बेस के अंदर क्या ही बचा है गाइस, एक बस इतने से डिफेंस बचे और बैट्स बचे, क्या ये ट्रिपल हो पाएगा। लोल गाइस लुल हो गया हमारे साथ, ये देखो ये ट्रिपल तो नहीं होगा गाइस, दिस इज अ पक्का टाइम फेल, दिस इज अ पक्का वाला टाइम फेल, क्योंकि क्वीन को आराम से टेक डाउन कर लेंगे बैट्स। पर यार मेरे पास क्लीन अप के लिए ट्रूप्स है ये नहीं गाइस, स्निकी गॉब्लिन लेके आता एक दो तो भाई सही रहता यार। सच में स्निकी गॉब्लिन काहे नहीं लेके आया बे, लोल यार एक दो स्निकी गॉब्लिन भी लेके आता ना यहाँ पे काम बन गया था गाइस लिटरली भाई। देखो देख रहे हो स्निकी गॉब्लिन की क्या ही मतलब कीमत थी भाई यहाँ पे अगर लेके आता तो। और टोर्नेडो भी देखो बंदा किधर रखा है भाई, लोल यार ये तो टाइम फेल है गाइस, एफ हो गया। स्निकी गॉब्लिन होता है आराम से खत्म था गाइस ये वाला बेस, एक या दो स्निकी गॉब्लिन होते तो भी, एक बलून कम करके, एक दो बलून कम करके, पर क्या करें भैया 95% टाइम फेल हो चुका है भाई ये वाला अटैक हमारा। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी जो परसेंटेज है वो लाइक अबाउ 90% आई है, ठीक है एक हिसाब से। तो हमारी साइड से गाइज स्कोर हो चुका है 3 अटैक में 8 स्टार्स। तो भाई एनिमी के तो यहाँ पे सिर्फ एक अटैक में 2 ही स्टार हो चुके हैं। ओके एजाज भाई लाइव आ चुके हैं, अरे बाप रे ये तो भाई साहब सुपर ड्रैगन स्पैम अटैक कर रहे हैं यार, देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पे एक स्टोन स्लैमर भी लेके रखा है, देखते भाई क्या कैसा बात रहेगा। बेस लेआउट तो भाई अजीब ही लग रहा है मेरे को, थोड़ा वियर्ड ही लग रहा है क्योंकि टाउन हॉल थोड़ा अंदर की साइड पर रखा हुआ है। देखो ना इन्फिर्नो की पोजीशंस, बीच में सीसी है, एक साइड पे टाउन हॉल और उसके अपोजिट साइड पे ईगल,
वियर्ड बेस लेआउट है थोड़ा सा। चलो फनल तो यहाँ पे बेबी ड्रैगन के साथ बना लिया है, क्वीन को डिप्लॉय कर दिया, सारे के सारे यहाँ पे सुपर ड्रैगन डिप्लॉय कर दिया, स्टोन स्लैमर भी डिप्लॉय कर दिया, बुड्ढे को भी डिप्लॉय कर दिया। ओके डबल रेज डाल के यहाँ पे बुढ़ाऊ की एबिलिटी मार दी, चलो भाई परफेक्ट, मजा आ गया देख के। ओके टाउन हॉल पे जा चुके हैं सुपर ड्रैगन, नाइस फ्रीज ऑन टाउन हॉल। अरे यार ये किधर फ्रीज डाला भाई, सिंगल फ्रीज हुआ ही नहीं है, क्या ही कर दिया भाई। अबे ये क्या हो गया भाई, आर्मी गायब किधर हो गई भाई, आर्मी गायब सी लग रही है गाइस मेरे को तो। क्वीन काहे अंदर आ गई भाई यार, बाहर रहती यार। अबे आर्मी गायब हो गई गाइस, ये बीच वाला मल्टी ढंग से फ्रीज करते ना यार, बीच वाला मल्टी निकल गया था ना बहुत सारी आर्मी बच जाती, दो तीन सुपर ड्रैगन तो आराम से बच जाते हैं। अरे लुलू हो गया गाइस ये तो भाई साहब। अब हीरोज के साथ कितना खींचेंगे बे, तीन हीरो की एबिलिटी बची है, ट्रिपल तो मेरे को नहीं लग रहा ये आ सकता क्योंकि सिंगल है, मल्टी है, बार्बेरियन किंग है एनिमी का, स्कैटर है, एक ग्राउंड एक्सबो है। अरे बाप रे, कम ऑन क्वीन निकाल लो यार मल्टी को, निकाल लिया, तीन फ्रीज है, चलो भाई नाइस फ्रीज स्पेल। क्वीन फंस गई है भाई बाहर की साइड पे, अगर क्वीन रहती ना तो शायद कुछ हो सकता था। अब देखो आरसी के ऊपर डैमेज आएगा दबा के, अरे बाप रे, वापस फ्रीज डाल दी, एबिलिटी यूज कर ली। लो गाइस स्केलेटन्स निकल गए भाई यार यहाँ से, क्या ही बोलूँ यार। लोल गाइस ये वाला अटैक तो थ्री स्टार होना थोड़ा मुश्किल ही है, स्पेल भी अब कुछ बचा नहीं है, बस एक क्वीन की एबिलिटी है। लोल यार ये हमारी साइड से फेल हो चुका है ये वाला अटैक, लेट्स सी क्या होता है, अब कितनी परसेंट खींच पाते हैं, क्योंकि हमारी साइड से एक और अटैक बचेगा तैयब भाई का, तैयब भाई को तो ट्रिपल मारना ही पड़ेगा गाइस, वरना सीन हो जाएगा हमारे साथ। 85 मिलेगा क्या इधर से, क्वीन की एबिलिटी मार दी, नाइस ओके 86 मिल गया, अरे बाप रे 87 और ये 88% की वैल्यू गाइस हम लोगों को यहाँ से मिली है, और यहाँ से 18 नहीं मिला, 88% टोटल। एफ यार सीन हो गया, ये सिंगल इन्फिर्नो ने सीन कर दिया गाइस पूरा, तो भाई 4 में 10 हो चुके हमारे। तो भाई साहब हमारी साइड से आखिरी वाला अटैक तैयब भाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 स्टार की जरूरत है भाई साहब। ये क्या आर्मी है, 20 स्नेकी गॉब्लिन, 6 बलून, सिर्फ 3 हिलर्स, 2 पेक्का, 1 ड्रैगन राइडर, 1 विच, 5 बोलर्स, 1 आइस गोलम, 3 फ्रीज भाई, 2 इन्वी स्पेल भाई। ये आर्मी है क्या, ये क्या आर्मी है भाई, ये आर्मी कोई सेंस भी बनाती है, 3 हीलर मतलब ड्रैगन राइडर भी लिया है भाई साहब ने, विच भी लिया है, क्या है ये, कौन सी आर्मी है भाई ये, भाई ये ऐसे टाइप के अटैक करके भाई हरवा देंगे भाई, वॉर हर जाएंगे भाई अगर ऐसा चलता रहा तो। ये है क्या भाई, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, अरे बाप रे, स्नीकी गॉब्लिन के साथ टाउन हॉल निकालने का प्लान है भाई साहब का। ओके स्नीकीज डाल दिए, अभी भी एक स्नीकी बचा के रखा हुआ है, चलो गाइस इन भी परफेक्ट डाल दी, टीएच मिल जाएगा वहाँ से। लो गाइस टाउन हॉल मिल चुका है, ओके स्नीकी के साथ यहाँ पे फनल, किंग, बुड्ढा, आइस गोलम, 1 पेक्का बेस के बाहर जा रहा है, 1 पेक्का अंदर जा रहा है, सारे के सारे बॉलर्स आ चुके हैं। ओके डबल जैंड बम रखा हुआ था वहाँ पे, चलो भाई ड्रैगन राइडर यहाँ पे डाल दिया भाई, ईगल कंपार्टमेंट के लिए जंप डाल दी, अरे बाप रे। ओके रॉयल चैंपियन ऊपर से डाली, अरे फ्लेम फ्लिंगर डाल दिया, इतना लेट 1.5 मिनट पे फ्लेम फ्लिंगर डाला है भाई साहब ने यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, मतलब ईगल निकाला जा रहा है यहाँ पे ड्रैगन राइडर के साथ, आरसी के साथ वो कंपार्टमेंट निकाल लिया, अब फ्लेम फ्लिंगर के साथ ये वाला कंपार्टमेंट निकाला जा रहा है भाई। तैयब भाई इस बार ना तगड़ी प्लानिंग करके आए भाई हर कंपार्टमेंट की, मेरे को तो लग रहा था ये कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ लेके आए हैं, पर ये तो इनका एकदम हेवी वाला प्लान है भाई, थोड़ा ज़्यादा ही हेवी प्लान हो गया भाई ये क्या था भाई, ये गजब ही था भाई, क्या ये ट्रिपल आ रहा है क्या,
दो फ्रीज अभी बच चुकी है, क्वीन की एबिलिटी है। फ्लेम फिंगर तो फटने का नाम ही नहीं ले रहा, नहीं फटेगा गाइस, अटैक खत्म हो जाएगा पर फिंगर फटेगा नहीं गाइस बिल्कुल भी। अरे बाप रे बाप, अबे गजब यार, गजब आर्मी है भाई ये, क्या ही कर दिया भाई। एक हिलर जिंदा है अभी भी, तीन हिलर इस्तेमाल करी थी और टोर्नाडो यहाँ पे रखा हुआ था। अबे यार और सीसी के अंदर क्या लिया है ये भी नहीं पता, टाइम फेल ना हो जाए भाई साहब। अबे हॉक्स लिए भाई, जल्दी सीसी फोड़ दी, सीसी जल्दी फोड़ दी जिससे कि टाइम फेल का दिक्कत ना हो इसलिए। और सीसी के अंदर लिए भी तो क्या है भाई साहब, हॉग राइडर्स, मतलब कि इनको पता था कि ये एक डार्क बैरक बचेगा, आई मीन डार्क एलिक्सर ड्रिल बचेगा करके। भाई ये वाला अटैक देख के सच में मजा आ गया, क्या ही अटैक था भाई ये। तो भाई टोटल स्कोर हमारी साइड से हो चुका है 5 अटैक में 13 स्टार्स और एनिमी की साइड से गाइस पहले ही 3 अटैक्स फेल हो चुके हैं। अर्जुन के बेस के ऊपर 1 स्टार, तैयब भाई के बेस के ऊपर 2 स्टार, मेरे ऊपर 2 स्टार, मन्ना के बेस के ऊपर 2 स्टार, मतलब हम लोगों ने मैच जीत ली। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।